This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कर्नाटक वीडियो स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। वह एक महीने से ज्यादा वक्त से जर्मनी में छिपा हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैस मैनी केस के सभी 34 मामलों में दोषी पाए गए हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रंप जज पर भड़क गए। उन्होंने जज को भ्रष्ट बताकर मुकदमे की धांधली का आरोप लगाया है। असम और मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। असम के 9 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में रिकॉर्ड तापमान के बीच जल संकट हो गया, इसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर के चिंग्स और सुंदरबनी रेंज में नौशेरा उपखंड में जंगल की आग अभी तक लगी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार लू चल रही है। कर्नाटक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपद ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना का भारत से बाहर जाने का कार्यक्रम बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। 26 मई को मतदान के बाद उन्हें तुरंत राजनयिक पासपोर्ट के साथ बाहर भेज दिया गया। सातवीं चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। पीएम मोदी अगले 35 घंटे तक मौन रहेंगे। 75 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद कल शाम जब प्रचार का शोर थमा तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच गए। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीटवेव से लोगों का बुरा हाल है। इस प्रचंड गर्मी के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण बिहार के औरंगाबाद में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि ओडिशा के राउरकेला में 10 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद 1 जून से 3 जून तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। राजनीतिक एक्सपर्ट और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया है कि महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को 20 सीटों पर नुकसान हो सकता है। पुणे की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करने का आरोप है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे विदेश यात्रा पर है, जबकि राज्य के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। शरद गुट के विधायक ने बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई, नागपुर और ठाणे सहित कई इलाकों में आव्हाड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पुणे में हुए पोर्शे कार हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किसी महिला के ब्लड सैंपल से बदला गया था। जया शेट्टी मर्डर केस में मुंबई की एक अदालत ने डॉन छोटा राजन को दोषी पाया है। कोर्ट ने आज छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई। चौथी तिमाही के आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से पहले आज शुक्रवार को बाजार में माहौल अच्छा दिख रहा है। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद आज सप्ताह के अंतिम दिन बाजार ने कारोबार की अच्छी शुरुआत की। तेजी से उभर रही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के लिए भारत में पहली बार किसी शेयर बाजार ने अलग सूचकांक शुरू किया है, इससे निवेशकों को भी फायदा होने वाला है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली मल्टी फॉर्मेट सीरीज के लिए इंडिया टीम का ऐलान कर दिया है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित मिस्टर एंड मिसेस माही का निर्माण अपूर्व मेहता, हीरू यश जौहर और करण जौहर द्वारा किया गया है। मनोज वाजपेयी की भैया जी सिनेमाघरों में मुट्ठी भर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता होने वाला है और ये 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई। ऐसे ही टॉप 20 खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।